हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे R15S और R15O। तो फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प सेक्शन है उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों में आपको LED जो सेटअप है वो अवेलेबल होगा। वाइजर की बात करें तो वाइजर भी ऑलमोस्ट दोनों बाइकों में सेम ही रहने वाले हैं। अब अगर बात करें इसमें चेंजेस की तो R15S में जो R15S का जो स्टीकर है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। और यहाँ पे अगर R15F की बात करें तो R15F का जो स्टीकर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोनों बाइक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ अवेलेबल होगी और फ्रंट फेंडर का जो डिजाइन है वो भी दोनों बाइकों में आपको सेम ही रहने वाला है। अगर अलॉय की बात करें तो दोनों में 17 इंचेस के जो अलॉय हैं वो अवेलेबल होंगे, बट जो कलर है उनमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। डिजाइन सेम रहेगा बट दोनों बाइकों में आपको जो कलर का डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। R15S में आपको जो ब्लैक कलर है वो अलॉय व्हील्स में देखने को मिलेगा, बट R15 में आपको ब्लू कलर अलॉय व्हील्स में अवेलेबल होगा। टायर साइज है वो भी दोनों बाइकों में आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। 100x80 के जो फ्रंट में टायर का सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें दोनों बाइकों के साइड से लुक की तो साइड से जो लुक है वो भी दोनों बाइकों का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। R15 में जो R15 का जो स्टीकर है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। और R15 में अगर ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो R15S का जो स्टीकर है वो देखने को मिल जाता है। तो साइड से जो लुक है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। मेजर डिफरेंस की बात करें तो जो R15 है उसमें आपको दोनों में सीट का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। R15S में आपको एक कंप्लीट सीट अवेलेबल होगी जो कंफर्टेबल रहने वाली है कंपेयर टू R15, और R15 में आपको जो स्प्लिट सीट है वो देखने को मिल जाती है। सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट भी सेम रहने वाली है। 815 mm की जो सीट हाइट है वो दोनों बाइक्स में अवेलेबल होगी। अब अगर इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करते हैं सीट की लेंथ के अकॉर्डिंग कि राइडर को कितनी सीट मिलेगी और पिलियन को, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं R15S की सीट की। तो हम हैंड यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए। तो राइडर को एक जो सीट है वो 2 एंड मेजरमेंट के करीब मिलने वाली है, और पिलियन को जो मिलेगी वो 1 से थोड़ी ज़्यादा जो सीट है वो जो पिलियन है उसको मिलने वाली है। अब अगर बात करें R15 के V3 एडिशन की तो V3 एडिशन में आपको जो राइडर की सीट है वो 2 एंड मेजरमेंट है उससे कम रहने वाली है, और जो पिलियन की सीट है वो दोनों बाइकों में अप्रोक्सीमेट जो पिलियन की लेंथ है वो सेम रहने वाली है। ओपनर की बात करें सीट ओपनर की तो जो R15 का V3 एडिशन है उसमें सीट ओपनर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट R15 का जो S वेरिएंट है उसमें जो सीट ओपनर है वो आपको साइड पैनल में देखने को मिलेगा। तो सीट के मामले में जो R15 का जो S जो वेरिएंट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है कंपेयर टू R15 V3। इंजन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों बाइकों में आपको 155 का सिंगल सिलेंडर जो ऑयल कूल्ड इंजन है वो अवेलेबल होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों बाइकों की जो परफॉर्मेंस है वो भी सेम रहने वाली है। परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। R15S के अगर वेरिएंट की बात करें तो इस बाइक में आपको एक ही वेरिएंट अवेलेबल होगा और एक ही कलर ऑप्शंस के साथ ये बाइक अवेलेबल होगी। रेसिंग ब्लू कलर इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है, बट R15 का जो V3 एडिशन है उसमें आपको काफी कलर ऑप्शंस इस बाइक में अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो दोनों बाइकों का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो सीट है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी बाइक ज्यादा स्पोर्टियर और मोर कंफर्टेबल लगी। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।